नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुड़िया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में जिला पुलिस ने छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे चार अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने बेनीबाद ओपी क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में ट्रक से शराब को किया जब्त। और जिला प्रशासन द्वारा फटाका मंडी को खाली करने के आदेश के बाद फटाका व्यवसायी के ने स्थल चिन्हित करने का आग्रह जिला प्रशासन से किया। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें विस्तार से। जिला पुलिस की विशेष टीम ने मोतीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अपराध की योजना बना रहे चार अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जिले में CSP बैंक लुटेरा चार शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। हत्या से लेकर लूटपाट जैसे कई संदिग्ध अपराधी घटनाओं को वारदात दे चुके हैं। 2 दर्जनों से अधिक अपराधी गतिविधियों में शामिल हैं। जिले के कई थाने की पुलिस को इसकी तलाश थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विशेष टीम गठित किया। पुलिस टीम ने मोतीपुर थाना क्षेत्र के महमूदपुर बलमी लीची गाछी में छापेमारी कर लूट की योजना बनाते चार अपराधी को गिरफ्तार किया। इसके पास से 3 पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस, 60 पुड़िया स्मैक और 3 बाइक बरामद किया गया। SSP राकेश कुमार ने बताया कि DIU टीम को सूचना मिली कि कुछ अपराधी अपराध की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें 4 अपराध कर्मी की गिरफ्तारी की गई। ये अपराध कर्मी कई सारे पूर्व के अपराधी घटनाओं में शामिल भी रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि CSP बैंक से लूट की योजना बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। 14 तारीख को मुजफ्फरपुर की DI यूनिट को एक इनपुट प्राप्त हुआ था और उस इनपुट के अनुसार पे पश्चिमी DSP श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें DIU प्रभारी थे और मोतीपुर के थानाध्यक्ष भी थे। इस टीम के द्वारा एक ज्वाइंट रेड की गई। मोतीपुर थाना अंतर्गत एक जगह है जिसका नाम महमूदपुर बलमी है, वहाँ एक बगीचा है। वहाँ से 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। ये अपराध कर्मियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, विशेषकर हत्या के केस में भी, लूट के केस में भी, डकैती केस में और छिनैती के केसेस में और आर्म्स एक्ट में और इसके अतिरिक्त जो है उत्पाद अधिनियम में भी। ये चारों ही अपराध कर्मी वहाँ पे एक आपराधिक योजना को प्लान कर रहे थे और इनकी गिरफ्तारी वहाँ से की गई है। इनके पास से 3 हथियार बरामद किए गए हैं, इसके अतिरिक्त 14 गोलियाँ बरामद की गई हैं, 60 पुड़िया स्मैक है, 3 बाइक हैं और 5 मोबाइल हैं, इनको भी जब्त किया गया। नहीं, घटनास्थल पर जितने अपराधकारी मौजूद थे सबकी गिरफ्तारी। इन लोगों की प्लानिंग, एक CSP है उसको लूटने की प्लानिंग थी जो मोतीपुर थाना अंतर्गत ही पड़ता है, लेकिन टाइम पे चूंकि पुलिस को सूचना प्राप्त हो गई, इनपुट्स आ गए और हमने उस घटना को होने से रोका और इनकी गिरफ्तारी भी की। हाँ, इनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, विशेषकर पारू थाने में है यहाँ पर और इसके अतिरिक्त सरैया थाने में है, मोतीपुर थाने में भी है और सीमावर्ती जिला है मोतिहारी, वहाँ भी इनके आपराधिक इतिहास हैं। वैशाली जिले में भी इनके आपराधिक इतिहास हैं, जिसकी सारी सूची आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने बेनीबाद ओपी क्षेत्र में छापेमारी कर रुई से लदी ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। जिले में कंबल और रुई के स्क्रैप की आड़ में हो रही विदेशी शराब की तस्करी का पुलिस ने खुलासा किया है। जहाँ जिले के गायघाट थाना के बेनीबाद ओपी की जगनिया में देर रात छापेमारी कर एक ट्रक पर लदे विदेशी शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया। बरामद शराब की कीमत 30 लाख से अधिक की बताई जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक हथियार के साथ 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। शराब तस्करी से जुड़ा पूरा मामला बेनीबाद ओपी का है, जहां देर रात शराब तस्करी की गुप्त सूचना मिलने की जानकारी पर बेनीबाद के जगनिया गाँव के एक बगीचे में देर रात छापेमारी की गई, जहाँ बगीचे में एक ट्रक से पिकअप पर उतर रही विदेशी शराब की 308 कार्टन को जब्त किया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने मौके पर मौजूद 2 शराब धंधेबाज को भी पकड़ा, जिनकी पहचान जगनिया गांव के निवासी वैजनाथ राय और अहियापुर निवासी करण कुमार के रूप में की गई है, जिनकी तलाशी के क्रम में उनके पास से 1 देशी कट्टा, 4 कारतूस और 1 चाकू बरामद किया गया। वहीं मौके पर विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ 1 ट्रक और 1 पिकअप को भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विदेशी शराब की इस खेप को UP से रुई और कंबल के स्क्रैप की आड़ में मुजफ्फरपुर
लाया जा रहा था। मुजफ्फरपुर जिले में शराब तस्करों का कमर तोड़ दी है पुलिस ने। आपको बता दें कि लगभग 30 लाख से अधिक की विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई देर रात की है। वहीं मौके से दो साथी तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से दो देसी कट्टा भी बरामद किया गया है, कारतूस भी बरामद किया है। पूरा कार्रवाई आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद उपी क्षेत्र के जगनिया में देर रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां से मौके से एक ट्रक में रुई के आड़ में विदेशी शराब लगभग 308 कार्टून शराब लाई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। वहीं मौके से दो साथी तस्कर को भी हिरासत में लिया है, जिसके पास से दो देसी पिस्टल बरामद किया गया। वही पूरे मामले को लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूरी कार्रवाई को लेकर पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिला था, जिस पर देर रात पुलिस ने विशेष टीम गठित कर यह छापेमारी की, जिसमें उनको बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिटी न्यूज से विवेक कुमार की रिपोर्ट। सरकार द्वारा चलाई जा रही परवरिश योजना के तहत हर महीने बेसहारा बच्चों को 1000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। जिले के अनाथ गरीब बेसहारा बच्चों को परवरिश योजना के तहत अब हर महीने 1000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार के बच्चों की परवरिश को सुनिश्चित करना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित बच्चों को सहायता प्रदान करना है। SDM पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राशि गरीब बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रतिमाह अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत अनाथ गरीब बेसहारा और असाध्य रोग से पीड़ित बच्चों को प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि मिलेगी। यह लाभ बच्चों को 18 साल की आयु पूर्ण होने तक प्रदान किया जाएगा। इस योजना से एड्स और कुष्ठ जैसे रोग से ग्रसित अभिभावकों के बच्चों को भी लाभ होगा। इस संबंध में SDM पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने बताया कि इस परवरिश योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए गरीब परिवार के बच्चों को प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल के आर्ट सेंटर में DPM और अस्पताल प्रबंधक को निर्देशित किया गया है। आवेदन का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र और प्रखंड कार्यालय भी इस योजना के लिए आवेदन लेंगे। पहचान गुप्त रखी जाएगी। इस योजना का लाभ पाने वाले सभी बच्चों को इस अनुसूचित क्षेत्र के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी अनुमंडल के कांटी प्रखंड में 23, मोतीपुर प्रखंड में 26, मरवन प्रखंड में 17, कुठनी प्रखंड में 51, पारू प्रखंड में 8, सरैया प्रखंड में 4 और साहेबगंज प्रखंड में 23 कुल 152 ऐसे बच्चे हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन जानकारी की कमी के कारण सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा यह अति महत्वपूर्ण योजना है, जिसका नाम परवरिश योजना है, जो बाल विकास परियोजना से संबंधित है। इसमें होता क्या है कि वैसे बच्चे जो अनाथ हैं, इसमें कैटेगराइज किया गया है कि HIV पीड़ित माता पिता के बच्चे, अनाथ बच्चे, और तीसरी किस्म है कि जो कुष्ठ से ग्रसित जो हैं उनके बच्चे, उनको 18 वर्ष की उम्र तक सरकार के द्वारा उनके जीवन यापन या अन्य खर्चों के लिए प्रति माह 1000 रुपये दिया जाता है। और यह जो आवेदन है वो आंगनवाड़ी के माध्यम से इसको जनरेट करके और CDPO कार्यालय से अगर सारित करते हुए अनुमंडल कार्यालय को प्राप्त होता है और सैंक्शनिंग अथॉरिटी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी इसकी अनुशंसा करते हैं। तदुपरांत उस बच्चे के वो प्रति माह 1000 रुपये उनको प्राप्त होता है, जो ज्वाइंट अकाउंट जो खाता होता है उसके द्वारा उनको भुगते होता है। कितने बच्चे हैं अभी पश्चिमी अनुमंडल में? कुल 151 बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। और विगत 2 साल जब से मैं यहाँ पर पदस्थापित हुआ हूँ, कुल 45 बच्चों को हम लोगों ने नामांकित कर रखा है। और यह हम लोगों का प्रयास है कि जितने भी जो छूट गए जो हैं, जो परिवार जो बच्चे छूट गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी इस योजना में शामिल करके उनको इससे लाभान्वित कराया जाए। किस प्रकार इसका लाभ उठा सकते हैं? जैसे बच्चे मान लीजिए उनके गार्जियन जैसे अनाथ हैं, उनके जीवन यापन के लिए कुछ तो है ही नहीं, तो जो उनके गार्जियंस होते हैं उनको अगर 1000 रुपये सहायता के रूप में मिलता है तो उसके खाने पीने या शिक्षा या अन्य प्रकार के जो भी खर्चे हैं उससे तो उनका जीवन यापन चल सके। यही सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है और हमको लगता है कि यह योजना बहुत ही प्रभावकारी है। और आप सबों के माध्यम से
इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए कि जो लोग अब तक वंचित हैं वो लोग भी इस योजना का लाभ आगे उठा सकें। बैरिया बस स्टैंड की बंदोबस्ती और वाहन टोल वसूली के लिए जिला प्रशासन ने प्रचार रथ को रवाना किया। बैरिया बस पड़ाव की बंदोबस्ती को लेकर जिला प्रशासन के प्रचार रथ को SDO पश्चिमी ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा मुजफ्फरपुर जिले से खुलने वाले विभिन्न प्रचार के वाहनों के टोल वसूली और बैरिया बस पड़ाव स्थल की बंदोबस्ती 24-25 के लिए 28 फरवरी को जिलाधिकारी कार्यालय में खुले डाक के द्वारा की जाएगी। अगर किसी कारण बस डाक नहीं होता तो 1 मार्च को पुनः यह डाक कराई जाएगी। इस बंदोबस्ती के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन दे सकते हैं। SDO पश्चिमी ने यह पूरी जानकारी दी। जैसा कि विदित है आपके शहर में बैरिया बस पड़ाव है, उसके लिए एक समिति बनी हुई है, बैरिया बस पड़ाव स्थल समिति। उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष वहाँ का जो संचालन के लिए उसकी बंदोबस्ती की जाती है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय होते हैं, उपाध्यक्ष अपर समाहर्ता होते हैं और पश्चिमी अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव होते हैं। इसी क्रम में आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उसी के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बैरिया बस पड़ाव स्थल समिति की ओर से टेंडर की प्रकाशित की गई है कि जो लोग अगले वर्ष इसकी बंदोबस्ती करना चाहते हैं वो निविदा में भाग ले सकते हैं। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 3 तिथियाँ निर्धारित की गई हैं। पहली तिथि है 28 फरवरी, अगर उस दिन इसकी बंदोबस्ती नहीं हो पाती है तो दूसरी तिथि 1 मार्च है, और 1 मार्च को भी नहीं हो पाता है तो तीसरी तिथि 6 मार्च 2024 रखी गई है। और आपको यह भी बताते चलें कि इस बंदोबस्ती के लिए जो सुरक्षित जमा राशि है 95,56,500 रुपये है, और ये न्यूनतम राशि है। इसके आधार पर लोग बोली लगाते हैं और जो अंतिम जो बोली करता होता है उसको हम लोग बंदोबस्ती करते हैं। पूर्व के वर्षों में इस साल भी उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा, और आपसे आप सबों के माध्यम से यह हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि इसको भी प्रचारित प्रसारित किया जाए ताकि ये लोगों तक ये बात जाए और जो भी इच्छुक बोली करता है वो इसमें आकर भाग ले सके। चुनावी खर्च के नाम पर कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के बैंक खाते को फ्रीज कर विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, यह बातें कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कही। केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर पैसे देने वाले का नाम गुप्त रखकर खुद भाजपा के लिए उद्योगपतियों से अवैध चंदा वसूली कर रही है, और अब जब चुनाव आचार संहिता लागू होने में जब लगभग 2-3 हफ्ते बचे हैं तो 2019 के चुनावी खर्च के हिसाब के नाम पर कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के बैंक खाते को फ्रीज कर विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है। ये आवाज़ हम दबने नहीं देंगे, उक्त बातें मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने रविवार को सरियागंज टावर चौक पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए कहा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा, भाजपा सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उसके हित के नियम बनाने के नाम पर अवैध रूप से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पर धन उगाही कर रही है। उन गुप्त नामों को उसको जनता को उजागर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश हुआ है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का, इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भी चंदा है, जो गोपनीय है, उसका खुलासा होना चाहिए। चाहे कोई भी लोग जो दाता है उस दाता को खुलासा करना है कि अडानी जी कितने पैसा दिए, रिलायंस कितने पैसा दिए, और भी बहुत सारे जो विदेशी फंडिंग है उसका सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का निर्देश है कि इसको खुलासा करना चाहिए। यह खुलासा ना करके कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस के अकाउंट को इन्होंने फ्रीज कर दिया। यह मिसयूज कर रहे हैं ईडी CBI का, और एक माहौल बना रहे हैं कि विपक्ष किसी तरह से कमज़ोर हो जाए और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मुजफ्फरपुर बिहार महात्मा गांधी जी के समीप टामर चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के समक्ष हम लोग लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का नारा देते हुए आज हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार 10 साल में जुमलेबाजी करके 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे और
जनधन खाता खुलवाया और वह सब फेल हो गया। जुमलेबाजी में अमित शाह जी ने कहा कि जुमलेबाजी है, अब एक नया नाटक ये खोल रहे हैं, मंदिर राम मंदिर हमारे भी हैं, प्रभु राम हमारे भी हैं, सीता मैया हमारे भी हैं, हम भी पूजा करते हैं। इसका मतलब ही नहीं कि अब चुनाव है तो 22 तारीख को चुनाव, 22 जनवरी को उन्होंने मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा किया, रामनवमी के दिन 14 अप्रैल। वक्त हो चला छोटी से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888, और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे, और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है, और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0% डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ नहीं बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिला प्रशासन द्वारा 15 मार्च तक पटाखा मंडी को खाली करने के लिए दिए गए आदेश के बाद पटाखा व्यवसायियों ने स्थल चिन्हित करने का आग्रह जिला प्रशासन से किया। मध्य प्रदेश पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन ने 15 मार्च के भीतर छाता बाजार स्थित पटाखा मंडी के सभी दुकानदारों को खाली करने का निर्देश दिया, जिसके बाद पटाखा मंडी के सभी दुकानदारों के सामने रोजी रोटी की समस्या दिखने लगी है। जिला प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश में ना इस मंडी को शिफ्ट करने का आदेश दिया गया और ना ही कोई चिन्हित स्थल दिया गया। बिहार पटाखा संघ के अध्यक्ष ने बताया कि जिला प्रशासन ने जो भी आदेश दिया है उसे हम निभाएंगे, लेकिन हम अपने व्यवसाय को कहाँ लेकर जाएं? देखिए, प्रशासन का काम है अलर्ट होना। भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोग भी अलर्ट हैं। हमारा नुकसान देश का नुकसान है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप किसी नौकरी में हैं, आप वो सरकार के द्वारा संचालन होता है और सरकार आपको बोले कि आप चले जाइए, तो आप ये सवाल कीजिएगा कि नहीं हम कहाँ जाएं? क्योंकि हर आदमी के साथ बाल बच्चा है, उसकी बूढ़ी माँ है, उसका बूढ़ा बाप है, उसका जवानी लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। हो सकता है कि मेरे पर लोन हो, हम लोन ले कर काम कर रहे हों, तो अकॉर्डिंग टू RBI अगर आपका अकाउंट NPA होगा और आप पैसा नहीं दीजिएगा तो पहले आपसे एग्रीमेंट करता है कि कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे, घर नीलाम कर देंगे, दुकान नीलाम कर देंगे। बात को मेरे समझ रहे हैं, हम लॉ के द्वारा बात कर रहे हैं। तो जो अभी पोजीशन है, हम सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं, ठीक है, सरकार के
रोजगार में भी हमारा सहयोग है कि हमारे यहाँ एक दो आदमी, चार आदमी, पाँच आदमी, छः आदमी खट रहा है। आपसे हमको कोई रिवार्ड एवार्ड नहीं चाहिए, लेकिन सम्मान के हम हकदार हैं कि नहीं? हम जाएं तो कहाँ जाएं? तो सरकार से ये बात सवाल हम करेंगे। अब माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इस संदर्भ में हमसे अपडेट बराबर हो रहे हैं। इस ज़रूरत पड़ने पर लोकसभा में भी ये चर्चा होगा कि बिहार के इस ज़िले में इस दुकानदार के साथ इस मंडी में इस तरह के निर्देश दिए गए हैं, इन लोग पर सरकार क्या बोलती है? हमारी लड़ाई जो होगी वो पूरी तरह वैध होगी और हम लोग अपना हक मांग रहे हैं कि हमारा जो मासूम बच्चा है, जो अभी होशमंद नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी आफ्टर गॉड, आफ्टर अल्लाह, आफ्टर भगवान हमारा है, उसके संसाधन का मुहैया कौन करेगा? तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अगर हम यहाँ से जाना चाहने, सरकार बोलती है, राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारी बोलते हैं कि आप जाइए, तो आई एम कम्प्लीटली रेडी फॉर गो, बट कहाँ जाएँ? तो क्या कहिएगा सर? हमको विस्थापित करने के साथ साथ स्थापित करने का जगह दिया जाए। इस संदर्भ में हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारे एक्सपर्ट के द्वारा मसौदा तैयार किया जा रहा है और रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर से मिलकर हम अपनी बातों को रखेंगे और उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मानवाधिकार आयोग और हाई कोर्ट में हम जो है जाएंगे और वहाँ इस बात को रखेंगे। SDO पूर्वी ने बताया कि ASP और हमारे द्वारा पटाखे मंडी का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि दुकानें मानक के विपरीत पाई गई, इसलिए 15 मार्च तक खाली कर घनी आबादी के बाहर व्यवसाय करने का आदेश दिया है। आज मेरे द्वारा और ASP टाउन के द्वारा पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम उन लोग को यह अंतिम चेतावनी दी गई है कि आबादी से दूर सुरक्षित जगह पर जाकर के अपना पटाखा का नियमानुसार जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए पटाखा की बिक्री करेंगे और लाइसेंस वगैरह सबका अपडेट होना चाहिए, या उनको चेतावनी के रूप में बोला। 15 मार्च तक उन लोगों को बोला गया है कि 15 मार्च तक यहाँ से पटाखा की दुकान खाली हो जानी चाहिए, अगर खाली नहीं होगी तो फिर कार्रवाई, फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डाक विभाग के सभी पोस्ट अनुमंडल में बड़े पैमाने पर लोगों की बहाली की जाएगी, जिसकी जानकारी प्रवर डाक पाल ने दी। सभी पोस्टल अनुमंडल में बड़े पैमाने पर PLI और SAS बनाने की स्कीम निकाला है, जिसमें कम से कम प्रत्येक पोस्टल अनुमंडल में 20 लोगों को रखना है, जिन्हें PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से जो जोड़ा जाएगा और इसके साथ ही उन्हें पोस्ट ऑफिस के SAS सेविंग स्कीम एजेंट भी बनाएगी। पोस्ट ऑफिस अपने PLI और SAS से जुड़े लोगों को अच्छी कमीशन देती है। इसके बनने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट के www.indiapostgovernment.in पर जाकर डिटेल जानकारी ले सकते हैं। PLI और SAS के बारे में प्रवर डाकपाल गिरीश कुमार दास ने जानकारी दी। क्या डाकघर का भारत सरकार या हमारा विभाग जो है सो ऐसा प्रोविज़न दिया है कि हमारे प्रदेश में बहुत सारे पढ़े लिखे युवा बेरोज़गार हैं, तो हमारे यहाँ का जो स्कीम है PLI एजेंट बनाने का, तो डायरेक्टरेट से भी और हमारे महामहिम जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल साहब का भी मीटिंग हुई थी, तो बोले थे कि हर एक सब डिवीज़न में कम से कम 20-20 नए PLI एजेंट को तुम लोग जोड़ो, है ना, जिससे कि विभाग का भी व्यवसाय होगा और उनको भी रोज़गार होगा, व्यवसाय भी और रोज़गार भी। तो उसमें ऐसा है कि जब वो व्यवसाय करता है तो हमारा एजेंट को जो है सो करेगा 20% उसका जो है सो इंसेंटिव है कि नहीं, जितना करेगा उतना, वो जितना मेहनत करेगा उतना उसको मिलेगा। और भारत सरकार का चूँकि PLI है सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला है, मिनिमम इसका प्रीमियम अमाउंट है, बोनस रेट इसका बहुत ज़्यादा है और सभी जगह उपलब्ध है। इसका प्रीमियम के लिए वो ऑनलाइन व्यवस्था भी से भी जमा कर सकता है, IPPB के भी माध्यम से जमा कर सकता है या किसी भी मोबाइल ऐप से भी जमा कर सकता है, तो बहुत ही सुविधाजनक है। अब लोगों में जागरूकता फैलाने का चीज़ है, क्योंकि LIC या और भी जो भी कंपनियां हैं तो वो एजेंट बहाल करके ये करता है, और LIC का चूँकि एक व्यवसाय है एजेंसी, हमारा मल्टी बिजनेस है, मल्टी पर्पस बिजनेस है, केवल हमारा वो एजेंसी नहीं है, हम तो बहुत सारे बिजनेस करते हैं और वो
उसमें मेरा इंक्लूड है, इसलिए जो हमारा इम्प्लाई है या और भी हम लोग भी करते हैं, हमारा जो BPM लोग है, इसके अलावा जो हमारा पोस्टल इम्प्लाई है, उनको भी वो भी अपना कोड लेकर के जो है सो एक्स्ट्रा मेहनत करके एक्स्ट्रा पैसा वो कमा रहे हैं। तो इसके इसी कड़ी में जो है सो विभाग ऐसा व्यवस्था किया है कि बेरोजगार लोगों को भी जो है सो डाक विभाग से हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अधिक से अधिक प्रचार के माध्यम से भी और मीटिंग मेला लगा करके भी, या फिर आप लोगों जैसे जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके माध्यम से भी कि भाई डाकघर से जुड़िए, यहाँ आपको नुकसान नहीं होगा। आमगुला स्थित निजी विवाह भवन में तुरहा समाज की अहम बैठक की गई। तुरहा भवन न्यास पटना के तत्वावधान में रविवार को आमगुला स्थित एक निजी विवाह भवन में तुरहा समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार के साथ साथ कई अन्य जिलों के तुरहा समाज के लोग शामिल हुए। बैठक की शुरुआत अकुली तुरहा के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन करते हुए की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए न्यास समिति के उपाध्यक्ष सुबोध कुमार ने कहा कि तुरहा समाज आज भी शिक्षा, राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। इस बैठक के माध्यम से हम सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी समाज की मुख्य धारा में लाए, ताकि हमारा समाज भी विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति कर सके। इसके साथ ही तुरहा समाज के सभी लोगों के सहयोग से पटना में एक तुरहा भवन का निर्माण होने जा रहा है। इस भवन के निर्माण के साथ ही हमारा समाज यह संदेश देना चाह रहा है कि हमारा समाज अब आगे बढ़ने की ओर शुरू कर दिया है। आज तुरहा भवन न्यास ट्रस्ट के द्वारा मुजफ्फरपुर की धरती पे तुरहा समाज की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी हमारा समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे समाज के प्रबुद्ध गणमान्य लोग की भी उपस्थिति हुई है। उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर सबसे पहले शहीद अकलू तुरहा जी, जिन्होंने देश की आज़ादी में तुरहा समाज का अत्यंत पिछड़ा का बेटा देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान और कुर्बानी दिए थे, जिनका शहीद स्मारक और द्वार मधुबनी के धरती पर बना हुआ है, उनका मूर्ति का भी अनावरण वहाँ हुआ है 2020 में, उनका तस्वीर पे माल्यार्पण कर सभी ने उनका नमन किए हैं, उनसे आशीर्वाद लिए हैं कि मेरा समाज उन्नति और तरक्की के राह पर आगे बढ़े। आज ये हमारा तुरहा समाज के जितने भी माता बहने भाई बंधु दूर दूर से आके आज चट्टानी एकता का परिचय इस समारोह में देने का काम कर रहे हैं। इसकी आगाज है कि हमारा पटना में एक भव्य भवन का निर्माण होने का संकल्प लिया गया है, जो बहुत जल्द उसमें हाथ लगने जा रहा है, जो पूरे बिहार और देश का सबसे गौरव भवन होगा। आज सभी लोग, समाज के लोग उसमें अपना योगदान और भूमिका निभाने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। साथ ही तुरहा समाज वंचितों के कतार में अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जिसने किसी भी सरकार ने सूझ लेने का आज तक काम नहीं किया है। ऐसे समाज के लोग आज शहीद अकलू तुरहा को साक्षी मानकर संकल्प ले रहे हैं कि चुनाव सामने है, अगर हमारा समाज को हक और अधिकार दिया जाए, ये समाज को भी मुख्य धारा में लाया जाए, ताकि हर क्षेत्र में ये समाज उन्नति और तरक्की के राह पर आगे बढ़े। विभिन्न क्षेत्रों में हमारा समाज आज भी वंचित है, चाहे वो शिक्षा हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। हमारा समाज अब दमखम के साथ भवन निर्माण करके एक यह निशान छोड़ना चाह रही है कि हमारा समाज अब आगे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। सत्ता में भी भागीदारी अब लेने के लिए भी कदम बढ़ा चुका है हमारा समाज, विभिन्न क्षेत्रों में अब कदम बढ़ा चुका है। हमारा पटना में भी आगाज हो चुका है कि हमारा समाज अब वंचित नहीं रहेगा, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। इसकी सूझ सरकार को अब लेनी पड़ेगी। हमारा समाज हर क्षेत्र में हर आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।